अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तान में रोज़ाना 38,089 कोविड केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनसे मुल्क का मामला 3,10,64,908 हो चुका है। वायरस की वजह से 560 मजीद अमवात हुई हैं, इनकी तादाद 4,13,091 हो चुकी है। दरे आसना वायरस से 4,24,025 बाज़याफ्त हुए हैं। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स, ऑलवेज कवर योर माउथ एंड नोज व्हाइल स्नीजिंग, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय बायोफिना। For trade inquiry, please contact our toll-free number 1-800-258-7060। दुर्गापुर में एक मकामी नौजवान पर इल्ज़ाम है कि उसने एक सरकारी बैंक से एक खातून को छुरी दिखाकर धमकाकर लूटने की कोशिश की। इस वाक्य से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। मुलजिम नौजवान का नाम जयंत लोहार है। ये वाकया जुमे की दरमियानी रात के करीब पेश आया। कल्पना रविदास, प्रशांत रविदास की वालदा जो सरकारी बैंक मित्रा के इंचार्ज हैं, ने शिकायत की कि वो शदीद गर्मी की वजह से दरवाज़े खुले हुए सो रहे थे, तब अचानक एक नौजवान ने इसे तेज़ धार हथियार से गर्दन में मारा। वो आदमी घर के अंदर घुसना शुरू कर दिया। खातून ज़ोर से चिल्ला उठी और नौजवान अपना मोबाइल फ़ोन छोड़कर जाए वकू को छोड़कर दरवाज़ा बंद करके फरार हो गया। हफ्ते की सुबह होने वाले वाक्य की खबर ने इलाके में हलचल मचा दी। बैंक मित्रा के इंचार्ज प्रशांत रविदास ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके के एक नौजवान जयंत लोहार ने यह किया है। पुलिस ने पूरे वाक्य की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student, get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक, बाराबनी के MLA वेदन उपाध्याय को आज दुम्हानी इलाकाई तृणमूल ने इस्तकबालिया दिया। লড়াই করে আমাদের এমএলএকে এবং দ্বিতীয় টিভিতে দ্বিতীয়বার জন্য মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি দেখেছি ভোটের সময় বাড়াবাড়ি ব্লকে কিছুই জমা করা টাকা তো তাদের প্রচুর ফেটিং দেওয়া হলো। আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে চিন্তা করো না, সরকার মমতা ব্যানার্জি আসছে, নিশ্চয়ই তোমাদের কথা চিন্তা করবে। বিধান উপাধ্যায় আছে, আমরা আছি। আসানসোল से अब्दुल मुनाफ के मुताबिक, मिल्लत एकेडमी के अहाते में ओके रोड में आज एक मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप और आई चेकअप का इनेकाद किया गया। आसनसोल टाउन नेताजी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने दुर्गापुर के एक मशहूर अस्पताल के टाउन से इसका अहतमाम किया। इसका इफ्तिताह ADRMM के मीना ने किया। जैनी चिल्ड्रन डेंटल, आई फिजियोथेरेपी और दीगर के डॉक्टरों ने इसमें बाहिमी ताउन किया। मुंतजमीन ने
स्वस्थ साथी कार्ड स्कीम के बारे में लोगों को आगाह किया। मस्कुरा बाला एनजीओ इलाके में ख्वातीन की तरक्की और इनके तालीम के साथ साथ महारत की तरक्की वगैरह के लिए भी काम कर रही है। यहाँ पर डिग्नेटरीज के तौर पर मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद अंसारी, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद वसीमुल हक, हाफिज जाहिद मुर्तज़ा, हिना फिरदौस, सबीहा खातून, सैयद इम्तियाज़ अहमद राशिद, शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी, सीनियर रिपोर्टर रियाज उत्कली, सतीश गुप्ता, नेहा परवीन, मोहम्मद खालिद परवेज और बहुत से दीगर मौजूद थे। सलामपुर ब्लॉक के तहत रूपनारायणपुर पॉलीटेक्निक कॉलेज गेट के सामने पुरअमन तहरीक। सलामपुर ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद के बहुत सारे तुलबा ने इस दिन तृणमूल छात्र परिषद के सदर मिथुन मंडल की सरबराही में एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। मिथुन मंडल ने कहा कि कोविड बहरान की वजह से बहुत सारे खानदानों को माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। नेटवर्क की खराबियों की वजह से गाँव में बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इंतजाम किए जाएं ताकि इम्तहानात मुनासिब तरीके से दे सकें और इस उसूल पर गौर किया जाना चाहिए। रियासत भर में एहतजाज जारी है जिससे मुतालबा किया जा रहा है कि किसी भी तालिब इल्म को इम्तहान के मुनासिब जायजे से महरूम ना रखा जाए। इसलिए रूपनारायणपुर पॉलीटेक्निक प्रिंसिपल को तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया गया। अनीता बिस्वास, धीरज प्रजापति, मुतअद्दिद लोग शामिल थे। নতুন নির্দেশিকা পলিটেকনিকে যে নির্দেশিকা তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ লড়ছে, লড়বে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ লড়ছে, লড়বে, ক্যামেরা অন করে পরীক্ষা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, ক্যামেরা অন করে পরীক্ষা দেওয়ার যে নতুন নির্দেশিকা তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, করোনা লকডাউন মহামারী অবস্থায় স্মার্টফোন যাদের নেই সেই পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে অবিলম্বে পরীক্ষার যে নতুন নির্দেশিকা তা বাতিল করতে হবে, বন্দে মাতরম, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জিরাফাজ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিরাফাজ, নজরুল সেন্টারি পলিটেকনিক রূপনারায়ণপুর তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জিরাফাজ, নজরুল সেন্টারি পলিটেকনিক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জিরাফাজ। আজকে যে আপনারা এখানে জড়ো হয়েছেন এর উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনাদের? আমরা যারা নজরুল সেন্টারি পলিটেকনিক রূপনারায়ণপুরে যারা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আছে ফার্স্ট ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার, আমাদের বিভিন্ন যে সমস্যা এখন যারা ইন্টারনাল আমাদের যে পরীক্ষা আছে কয়েকদিন পর সোমবার থেকে আমাদের পরীক্ষা, সেই পরীক্ষা সিইও এর নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে যে ক্যামেরা অন করে সেখানে পরীক্ষা দিতে হবে, ক্যামেরা অন করে দেবো আমরা ঠিক আছে, কিন্তু একটা সমস্যার আমাদের যে হতে হবে সেই সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রবলেম হবে, বিভিন্ন আপনারা জানেন যদি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন তিন চার ঘন্টা ধরে যদি পরীক্ষা দেয় তাদের মোবাইল হ্যাং করতে পারে, অনেকের ফোনে আজকাল স্মার্টফোন নেই এই লকডাউন পরিস্থিতিতে, যখন মানুষ খেতে পাচ্ছে না তখন ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন যারা গরিব তাদের কাছে স্মার্টফোন নেই, তাদের কাছে অনেকের সামনে ফ্রন্ট ক্যামেরা নেই, তারা পরীক্ষাটা ক্যামেরা অন করে দেবে কী করে? যাদের ইন্টারনেট সমস্যা আছে যদি তিন চার ঘন্টা যদি পরীক্ষা চলে অনেকের মোবাইলে নেট শেষ হয়ে যেতে পারে, যদি কানেকশন যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন যদি তাদের লেফট হয়ে যায় তারা পরীক্ষা দেবে কী করে, তারা পিডিএফ সাবমিট কী করবে? তার জন্য আমরা প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে জমা করলাম ডেপুটেশন, যেমন যাতে সিও এর যে নতুন নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের জন্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ লড়ছে, আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা অবিলম্বে আরও এগিয়ে যাবো এবং লড়তে চলবো, যাতে অবিলম্বে এই সিও এর নতুন নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, এটাই আমাদের দাবি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ। सलानपुर थाना के समदी पहाड़ी घोड़ा कैंप के तहत समदी देहाती खुले मुंह से कोयला लेकर दूसरे मुकामात पर जा रहे हैं और समदी के देहातियों ने मरकजी सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। इन्होंने बताया कि ECL हुकाम एक तवील अरसे से देहातियों को हिरासा कर रही है, इन वादों में से एक भी पूरा नहीं हुआ है। जब समदी मोचीपाड़ा 2009 में गिर गया तो ECL ने मुतासर खानदानों को ECL के क्वार्टर्स में रहने की जगह दी, लेकिन इसके बाद से इनकी तज़ईन व आराइश कर दी गई। ECL हुकाम ने बारिश से कबल ही कहा था कि क्वार्टर्स की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन अभी तक इनका खस्ता हाल क्वार्टर्स की मरम्मत का कोई मंसूबा नहीं है और इन क्वार्टर्स में रहने वाले लोगों को खौफ व हिरास की हालत में छोड़ दिया गया है, क्योंकि छत किसी भी वक्त गिर सकता है, दीवारें गिरने से खौफनाक हादसात हो सकते हैं।
जमुड़िया से दिलीप शॉ के मुताबिक जमुड़िया बिजली के महकमा हफ्ते की सुबह आरजी तौर पर काम करने वाला कारकन बिजली के लगने से शदीद जख्मी हो गया। नीलकंद देवर नामी एक शख्स महकमा बिजली का आरजी मुलाजिम है। नीलकंद चंचूरिया ग्राम पंचायत के गांव चंचूरिया में रहता है। इस वाक्य के फौरन बाद मुकामी लोगों की मदद से नीलकंद की हालत खराब होने के बाद पहले इसे बहादुरपुर हेल्थ सेंटर और फिर आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमा बिजली की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। मुकामी लोगों ने शिकायत की है कि यह हादसा गैर हुनरमंद मजदूर की वजह से नहीं हुआ है। मुकामी रहायशी कंचन मंडल ने बताया कि इसने महकमा बिजली के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन किया था क्योंकि इसकी मरकज़ी लाइन दुकान में कुछ दुश्वारी थी। महकमा बिजली ने वॉज लाइन की मरम्मत के लिए दो नौजवानों को भेजने को कहा था। इसके दो नौजवान आए और बिजली के तारों को लगाने का काम कर रहे थे। अचानक नौजवान करंट की लपेट में आ गया। इन्होंने महकमा बिजली में टोल फ्री नंबर पर कॉल की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी वजह से वो खुद बहादुरपुर हेल्थ सेंटर में दाखिल कराए गए। जख्मी नीलकंद का साथी बाबू गोप ने बताया कि वो महकमा आसनसोल बिजली के मोबाइल वैन के ठेकेदार के तहत काम कर रहे थे। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब 11,000 वोल्ट GI तार बिजली से मुंसलिक होती वक्त तार से मुंसलिक हो गया। महकमा मोबाइल वैन के एक अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कल 8 कंपनियों को ये काम सौंपा गया है। नौजवान किस अदारे के तहत है इसकी तहकीकात की जाएगी। इस अदारे की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को देखें। रूलिया से वॉकिंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक मगरिब पहल पर रियासत बंगाल की हुकूमत के साथ साथ रियासत के दूसरे इजला के साथ पुरुलिया जिला में वन महाउत्सव प्रोग्राम जो 14 जुलाई से 21 जुलाई तक चलता है का बाकायदा इफ्तिताह पुरुलिया जिला परिषद के सदर सुजय बैनर्जी ने किया, जिसमें साउथ वेस्ट जोन के ऑफिसर, जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर, ग्रुप टूडू और डिविजनल ऑफिसर ने शिरकत की। मालूमात के मुताबिक महकमा जंगलात के इकदाम पर जुमे के रोज जिला सतह के वन उत्सव जिला के रवायती पौधे लगाने की अपील के साथ पुरुलिया में शुरू हुई। महकमा जंगलात ने पुरुलिया कस्बे के करीब सुरुलिया मिनी चिड़ियाघर में वन उत्सव का अहतमाम किया। मौजूदा माली साल में जिला पुरुलिया में 1227 हेक्टर अराजी में जंगलात की तामीर का काम शुरू किया गया है और माली साल 21-22 में 70,000 पौधे लगाए जाएंगे और 50,000 पौधों को तकसीम किया जाएगा। महकमा जंगलात पुरुलिया कस्बे के करीब सुरुलिया मिनी चिड़ियाघर में बाज़ाब्ता तौर पर तशहीर की गई। इसके बाद चिड़ियाघर के अहाते में मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। तकरीब में शिरकत के लिए आए जिला सदर मोहम्मद टुडू ने कहा कि रियासत के बहुत से हिस्सों में वन महाउत्सव की तकरीब जारी है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलाके में हरियाली बनाने के लिए दरख्त लगाने के प्रोग्राम को खसूसी अहमियत दी। हमने देखा है कि कोरोना वबाई अमराज के दौरान ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ सब्ज दरख्त हैं जो ऑक्सीजन दे सकते हैं। लिहाजा प्रोग्राम के जरिए मैं सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि दरख्त लगाएं, दरख्तों का ख्याल रखें। दूसरी तरफ जिला काउंसिलर सुजय बंदोपाध्याय ने कहा, हमने एक साल से जिला में दरख्त लगाने का प्रोग्राम शुरू किया है। रियासत के वजीर आला के इकदाम पर महकमा सेहत हर बच्चे को इनकी पैदाइश पर एक पौधा दे रहा है क्योंकि जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे ये पौधा उसे ऑक्सीजन की कमी से बचाएगा। इन्होंने जंगलात की कटाई रोकने का मशवरा भी दिया। मगरी बर्दवान में प्राइमरी उसाजा ने हफ्ते के रोज वनपुर में स्टेशन रोड पर तृणमूल के दफ्तर में WPTPTA के सदर और यूथ तृणमूल के रियासती सेक्रेटरी अशोक रुद्र के पहल पर खून का अतिया किया और बहुत सारे उसाजा को भी नेक कामों के सबब इससे नवाजा गया। कॉरपोरेशन के इंतजामी बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी खून अतिया करने वाले कैंप में बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थे। इन्होंने उसाजा यूनियन के काविशों को सराहा और गुज़िश्ता दो सालों में अशोक रुद्र की सरबराही में उसाजा ने कुल 144 खून अतिया करने वाले कैंप लगाए जो नाकाबिले तसव्वुर है। अशोक बाबू के अलावा तृणमूल ब्लॉक के सदर लक्ष्मण टैगोर, साबिक काउंसलर भरत दास, उसाजा रहनुमा राजीव मुखर्जी, विश्वनाथ मित्रा, मालिया भट्ट, सुमीप घोष, सुरजीत नायक और दीगर भी खून के अतिया करने वाले कैंप में मौजूद थे।
आसनसोल में पेट्रोल डीजल और खाना पकाने वाले गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे और बेहद महंगाई के खिलाफ आसनसोल डिस्ट्रिक्ट तृणमूल लीग सील के जरिए हफ्ते की सुबह आसनसोल कोर्ट कॉम्प्लेक्स से एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया जो आसनसोल जेल रोड से गुजरते हुए राबिंद्र भवन के सामने होने वाले मीटिंग में तब्दील हो गई। सुरुद चैटर्जी, उदय गेरी, रंजीत पांडे, प्रभाकर नारायण सिंह, तारक अंजुम, मणिपट बैनर्जी, सुमन घोष, जनार्दन शर्मा, अभय गिरी, अब्दुल रहमान, रमेश समेत वकला इज्तमा से खिताब के दौरान दास, पालास बैनर्जी, दिलिज खान बड़ी तादाद में मौजूद थे। सौराज चटर्जी ने कहा कि इस वक्त मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क में पेट्रोल डीजल और खाना पकाने के गैस की कीमत में आसमान छू रहा है जिसकी वजह से गरीब अफराद को दिन में दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है और मरकजी हुकूमत के फौरी तौर पर पेट्रोल डीजल और खाना पकाने गैस की बढ़ती कीमतों पर एक चेक लगाना चाहिए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी उजीरन हो जाए। जुलूस में मौजूद वकला के हाथों में पीले कार्ड थे जिनमें पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए लिखा गया था। दुर्गापुर से अरुणभा समेतों के अनुसार पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने ऑनलाइन फूड फराहम करने वाले अमले को भी मुतासर किया है। सरहदी शहर दुर्गापुर में सैकड़ों नौजवान ऑनलाइन ऑर्डर खाना मुहैया करते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और नए नौजवान काम पर आने की वजह से इनका काम कम हुआ है। दुर्गापुर में स्विगी की फ्राहिमी में शामिल मजदूर काम रुकने के बाद दो दिन हड़ताल पर हैं। स्विगी मुलाजमीन का दावा है कि इन्होंने अच्छे वक्त में कंपनी के लिए काम किया लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में मुलाजमीन कमीशन में इजाफे के मुतालबे पर डटे हुए हैं। जुमा के रोज़ करीब 70 स्विगी कारकुनों ने शहर के दुर्गापुर सिटी सेंटर में धरना और एहतजाज किया। আপনাদের দাবিটা কি এখানে? আমাদের দাবিটা হচ্ছে আমাদের পে আউট বাড়াতে হবে। আমাদের পে আউট এত কম কি আমরা গাড়িতে তেল ভরে এখন যা তেলের দাম ছাড়া আমাদের কোনো প্রফিট কিছু আমাদের পাচ্ছি না। আমরা ঘরে টাকা নিয়ে যেতে পারছি না। আমরা যেটুকু ইনকাম করছি আমাদের গাড়ির তেলে চলে যাচ্ছে। কোম্পানি আমাদের পে আউট বাড়াচ্ছে না। একদম আমাদের পে আউট বেশি ছিল কিন্তু কোম্পানি লকডাউনের জন্য কমিয়ে দিয়েছিল। তো তারপরে যখন কোম্পানি বলেছিল যে যখন তোমাদের মানে ভালো অর্ডার হবে তখন আমরা পে আউট চেঞ্জ করব। বাট এখন কেউ কোনো রেসপন্স করছে না, কেউ আসছে না, ফিল্ডে এসে কথা বলছে না, কোনো বাড়াচ্ছে না, আমরা কাজ করতে পারছি না। তোমাদের দাবি তোমরা কোম্পানিকে জানিয়েছো? আমরা জানিয়েছি, কেউ আসছে না, কেউ ফিল্ডে এসে কেউ কথা বলছে না। আমাদের যে সিনিয়র স্টাফ আছে তারা একজন আসানসোলে থাকে, একজন বর্ধমানে, কেউ আমাদের সাথে ফিল্ডে এসে কথা বলছে না। আমরা যখন জানাচ্ছি সবাই বলছে যে তোমরা যেরকম করছো চালিয়ে যাও, আমরা বন্ধ করে রেখে দেবো, আমরা কেউ যেতে পারবো না, এরকম কেউ আসছে না। দুদিন ধরে আজকে নিয়ে তিন নম্বর দিন আমরা স্ট্রাইকে আছি কি কোনো অফিসের স্টাফ আমাদের সাথে ফিল্ডে এসে কথা বলছে না, কেউ আসছে না। আমরা চাইছি ওরা এসে আমাদের সাথে কথা বলুক। এমনকি আমাদের দুর্গাপুরে অফিস নেই, আমরা যখন আমাদের কোনো ছেলের যখন বিপদ হয়, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, দুর্ঘটনা হয়, আমাদের পাশে কোনো কোম্পানির স্টাফ এসে দাঁড়ায় না। দুর্ঘটনা হলেও কেউ এসে দাঁড়ায় না, আমাদের নিজেদের মধ্যে কাউকে যেতে হয়। কতজন আছে তোমরা কর্মচারী? আমরা মোটামুটি 70-80 জন আছি দুর্গাপুরে, কিন্তু কোনো অফিস নেই। না, কোনো অফিস নেই। আমাদের নিজেদের মধ্যে কাউকে যেতে হয়, কারোর কিছু হলে কেউ আসতে চায় না। সবাই ফোনে ডাইরেকশন দেয়, ফোনে কথা বলে তো প্রবলেম সলভ হয় না। আমরা যখন কারোর অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আমরা যদি হসপিটালে কাউকে অ্যাডমিট করাতে যাই, তখন হসপিটালের লোক বলে আগে 3,000 টাকা জমা দাও, আগে 4,000 টাকা জমা দাও। আমাদের কাছে তো সেই টাকাটা নেই, তো সেই প্রবলেমটা তো অফিসের স্টাফকে সলভ করতে হবে, কিন্তু কেউ আসে না। আমরা চাই আমাদের অফিসের স্টাফ দুর্গাপুরে আসুক, আমাদের সাথে কথা বলুক, আমাদের ডিমান্ড পূরণ করুক, আমরা কাজ করব। কিন্তু আমাদের ডিমান্ড পূরণ না হলে আমাদের স্ট্রাইক চলবে, আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যাবো, স্ট্রাইক আমরা বন্ধ করবো। তোমরা এই স্ট্রাইক ছাড়া আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর কিছু করেছো? কোথাও ডেপুটেশন দিচ্ছ বা কাউকে জানিয়েছো? এখনো পর্যন্ত দিনই, তবে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা দিতে বাধ্য হব। জেকে নগর 21 জুলাই কো হোনে ওয়ালে ব্যাকরেট তেহওয়ার কে হওয়ালে সে জুমা কি শাম রানীগঞ্জ থানে কে তহত নিমচা ফন্দি কে আহাতে মে অমন কমিটি কা ইজলাস মুনাকাদ হুয়া। ईद उल अज़हा के त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए जुमे की शाम नीमचा फंदी कॉम्प्लेक्स में एक इजलास हुआ जिसमें तमाम मसाजिद कमेटियों के नुमाइंदों, इलाके के नुमाइंदों और कारोबारी कमेटियों ने शिरकत की। रानीगंज पंचायत समिति के चेयरमैन विनोद नोनिया, डिप्टी चेयरमैन देवराज मिश्रा, यंग तृणमूल रहनुमा संजीत मुखर्जी, आकाश चौधरी, तपन मुखर्जी, रोटीबत्ती ग्राम पंचायत सदर सुरेंद्र प्रसाद नोनिया, जमरी ग्राम पंचायत प्रधान शिल्पी मांझी, तिरात ग्राम पंचायत प्रधान लखी हेम्ब्रम, जेके सुधीर सिंह, कपिल दुबे,
नगर बाजार कमेटी के गोविंद प्रसाद साव, जेके नगर लाइन पार्स मस्जिद कमेटी के अमजद हुसैन, नीमचा के विकेश सिंह, मीना सिंह, शेरो खान, सोराव हांडी के साथ नीमचा फंदी के इलाके के तमाम मस्जिद कमेटी के नुमाइंदों के अलावा दीगर मुआज़ज़ीन इलाके में मौजूद थे। नीमचा फंदी इंचार्ज मैनुअल हक ने इजलास की सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए रानीगंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के पेश नज़र सबसे पहले हमें कोरोना से बचना होगा। इसके लिए हमें कोरोना क्वाइनीन पर पूरी तरह अमल करते हुए त्यौहार मनाना होगा। हमें ज़्यादातर घर में रहकर त्यौहार मनाना चाहिए। ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मसाजिद की कमेटियों के जरिए मस्जिद को हुफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक बनाने के इंतजाम करने होंगे। सामाजिक दूरी के बाद नमाज पढ़ना होगा और मास्क के बगैर मस्जिद में दाखिला ममनू होगा। आसनसोल के साबिक मेयर और बीजेपी रहनुमा जतिंदर तिवारी ने आसनसोल रेलवे के इलाके में उर्दू कॉलेज के क्याम के मुतालबे के खिलाफ इजहार ख्याल किया है। इन्होंने 18 जुलाई को मरकजी वजीर तालीम धर्मिंदर प्रधान और अकलियती अमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को खत लिखा। आसनसोल के साबिक मेयर और बीजेपी रहनुमा जतिंदर तिवारी ने 13 जुलाई को रियासती वजीर तालीम ब्रातिया बासु को एक खत लिखा। इन्होंने खत में दावा किया है कि बहुत से उर्दू बोलने वाले लोग एक तवील अरसे से आसनसोल में मुकीम हैं। बहुत से ऐसे तलबा भी हैं जिन्होंने हायर सेकेंडरी सतह तक उर्दू मीडियम स्कूलों में तालीम हासिल की है। एक देरीना मुतालबा है कि आसनसोल में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम के लिए उर्दू मीडियम कॉलेज कायम किया जाए। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमाओं और वज़रा ने पिछले 10 सालों में इसे मसले पर इंतखाबी वादे किए हैं, लेकिन हकीकत में इनके ज़रिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। उर्दू मीडियम स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बहुत से तलबा अंग्रेज़ी या बंगाली के ज़रिए ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वो या तो मजबूर हैं कि वो दूसरी पड़ोसी रियासतों में मुंतकिल हो जाएं या स्कूल छोड़ दें। इस तरह उर्दू में सानवी तालीम के बाद की कमी की वजह से भी ड्रॉप आउट की शरह ज़्यादा है। जतिंदर तिवारी ने दोनों मरकजी वज़रा को बताया कि इनसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो रियासती हुकूमत के साथ हम आहंगी से इस मसले को हल करने के लिए इनकी तरफ से कुछ इकदाम करें। ताहम जो बच्चे उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल करते हैं इन्हें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ये इसका खात्मा नहीं है। इससे कब जतिंदर तिवारी ने आसनसोल स्टेडियम के तज़ीन व आरइश के हवाले से रियासती हुकूमत को एक ख़त लिखा था। हफ्ते के रोज़ इन्होंने इस तरह रियासती हुकूमत के शहरी तरक्की और महकमा शहरिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा जिसमें मुतालबा किया गया है कि आसनसोल पुर निगम के 4 इलाकों में काम शुरू किया जाए। 4 कामों में रानीगंज में प्रिंस रविंद्रनाथ टैगोर मेमोरियल हॉल की तामीर, कुल्टी में टाउन हॉल, जमुड़िया में काजी नजरुल टाउन हॉल और बनपुर में हॉल की हालिया तज़ीन व आरइश शामिल है। जमुड़िया असेंबली हलका के चुरुलिया में वाकया काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में हफ्ते के रोज़ ज़िला सतह पर वान महाउत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान जमुड़िया के MLA हरेराम सिंह, बाराबनी के MLA कानून साज डिप्टी स्पीकर, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर, मगरबी बर्दवान जिला के हुक्मरा विभू गोयल, बहादुरपुर ब्लॉक के VDO जश्नोडी, जिला परिषद के सदर सुभाद्रा बोरी, काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, एडिशनल प्रिंसिपल, साउथ ईस्ट जोन के महकमा जंगलात के अफसर, DCP साबिक चेयरमैन कर्मा सदर प्रधान वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम में मौजूद अफसरान ने माहौल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और लोगों को माहौल से आगाह किया। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि इस वक्त जिस तरह से सनत हो रहा है इससे आलूदगी में इजाफा फितरी है। आलूदगी का उल्टा असर बराह रास्त नस्ल इंसानी पर पड़ता है जो दरख्त लगाकर इसे ख़त्म करने वाला वाहिद रास्ता है। इन्होंने कहा कि मैंने मुतअद्दिद बार जमुड़िया का दौरा किया है और पाया है कि जमुड़िया 2 हिस्सों में तकसीम है। यहाँ एक हिस्सा सनती इलाके में आता है और दूसरा हिस्सा दीही इलाकों में आता है। जमुड़िया असेंबली का रकबा बहुत बड़ा है, लिहाजा यहाँ जंगल के क़याम के लिए काफ़ी जगह है। ज़िला हुक्मरा विभू गोयल ने कहा कि 14 जुलाई से रियासत भर में वन महाउत्सव मनाया जा रहा है। कहा कि महकमा जंगलात के ज़रिए रियासत के हर ज़िला सब डिवीज़न में वन महाउत्सव का इनेकाद किया गया है। कहा कि जिस तरह से मुल्क भर में सनती काम हो रहा है, दरख्तों को काटना भी है अगरचा वो नहीं चाहते हैं, लेकिन इसकी तलाफी के लिए ज़रूरी है कि नए पौधे लगाए जाएँ। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इफ़ यू फोकस ऑन द हर्ट यू विल कंटिन्यू टू सफ़र, इफ़ यू फोकस ऑन द लेसन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। अगर आप चोट पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा, अगर आप असबाक पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो आप तरक्की करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले
please like, share and subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.